बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अगर आप लोग अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अगर आप सेल्स की फील्ड में हैं या अपने बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं, सेलिंग स्किल्स आपको कंप्लीट आनी चाहिए। मैंने एक सीरीज का आगाज किया सेलिंग स्किल्स में, आज सेलिंग स्किल नंबर 6 है। 5 सेलिंग स्किल्स मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दूंगा और आपको आई बॉक्स में भी यहाँ पे नजर आ जाएगा। सेकेंडली मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोगों के पास कोई बहुत ही अच्छी वैल्यूएबल प्रोडक्ट और सर्विस है, अगर सेलिंग स्किल्स आप लोग मास्टरी कर लेते हैं सेलिंग स्किल्स में, तो दोस्तों आप लोग अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं, आप उस लेवल पे आ सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ सकता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब की फिक्र नहीं होगी, क्योंकि सेल्स का स्किल ऐसा है जो कभी भी आपको भूखा नहीं रखेगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो सेलिंग स्किल्स शेयर करने वाला हूँ, सेलिंग स्किल नंबर 6 है, उसको शेयर करने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि मैंने इससे पहले 5 सेलिंग स्किल के हवाले से वीडियोस बनाई हैं। आप लोग उसको हमारे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, या हमारी सेल्स मैनेजमेंट के, आप सेल्स टिप्स एंड स्ट्रेटजीज की प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां से आपको सेल्स के स्किल मिल जाएंगे। आज का जो बेसिकली सेलिंग स्किल्स है वो है स्ट्रेटजिक प्रोस्पेक्टिंग पे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत के बाद ही हम मजीद इस तरह की वीडियो लेकर आएंगे जिससे आपकी हेल्प होती रहे। दोस्तों बेसिकली स्ट्रेटजिक प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? बस टाइम हम लोग अपने क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, बाय कॉल अप्रोच करते हैं, या ऐसी अप्रोच स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं जिसपे क्लाइंट हमें रिजेक्ट कर देता है, क्लाइंट हमारे से बात नहीं करना चाहता, क्लाइंट हमें, आप इन शॉर्ट कहें कि हमारी लैंग्वेज में, मतलब आम लोकल मार्केट लैंग्वेज में कहा जाता है कि क्लाइंट गोली दे देता है, यानी क्लाइंट हमें मीटिंग का टाइम नहीं देता। तो उस सूरत में आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों को मैं आज डिफरेंट अप्रोच बताऊंगा। बेसिकली होता यह है कि आप लोगों को क्लाइंट अगर इनकार कर देता है या ऑब्जेक्शन दे देता है आपको कि मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे डिसीजन कोई और लेता है, या व्हाट एवर एक्स वाई ज़ेड, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन जो कि इररेलेवेंट है, आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट सिनेरियोस से उसको अप्रोच करना है। देखें, आप किसी भी क्लाइंट के पास जाने से पहले उसके ऊपर प्री रिसर्च कर लें कि क्लाइंट का क्या माइंड सेट है, वो क्या पसंद करता है। आप उसकी सोशल प्रोफाइल पहले स्टडी कर लें, उसकी वेबसाइट स्टडी कर लें, वो जिस कंपनी में जॉब कर रहा है उसको स्टडी कर लें। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी अपनी सेल्स को क्लोज करने में, सेल्स साइकिल को आगे बढ़ाने में। डिफरेंट तरीके से अप्रोच करके क्लाइंट के पास जाए, उसके बाद अगर क्लाइंट क्लोज हो जाता है या नहीं होता, आप लोग उससे रेफरल कलेक्ट कर सकते हैं, आप उसको एज एफिलिएट मार्केटर यूज कर सकते हैं। उसको बताइए कि अगर वो खुद नहीं बाय कर रहा तो वो किसी और को सेल करके अपनी बाइंग भी उसमें से एडजस्ट करवा सकता है, या अपना कमीशन रख सकता है, उसको एफिलिएट नेटवर्क पे लेकर आए, या आप उसको बता सकते हैं कि वो अपना रेफरल कोई दे दे ऐसा कि जिसपे अगर सेल्स जनरेट होगी तो उसको भी बेनिफिट आएगा। दोस्तों इसको कहा जाता है स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्टिंग। थर्डली, अगर ये दोनों चीजें हो जाते कंबाइन, दोस्तों उनके फैमिली मेंबर, उनकी लिस्टिंग, उनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, आप उनसे वो रेफरेंसेस कलेक्ट कर सकते हैं जिसकी बेस पे आप मीटिंग करें उनको, उनके जो रेलेवेंट प्रोस्पेक्टिंग है उनके पास जाएं और अपनी सेल्स की पिच दें, उसी तरह से आगे सर्कल को बढ़ाते रहें। आपकी सेल्स की पाइपलाइन ऑलवेज फुल होनी चाहिए, डेली आपके पास 2 से 3 प्रोस्पेक्टिंग लाजमी होनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्टिंग आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप मजीद इस तरह की वीडियो जानना चाह रहे हैं, प्लीज ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करके कमेंट्स कर दें, लेकिन अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें, क्योंकि आपकी हेल्प के लिए और हमारे इंप्रूवमेंट के लिए आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आपके हर एक कॉमेंट्स का रिप्लाई करेंगे और हर एक आपकी बात को वैल्यू देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।